साउथ इंडियन सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, एक ऐसा सुपरस्टार जिसने अब तक सिर्फ साउथ की फिल्में ही की है, बॉलीवुड की एक भी फिल्म नहीं की, लेकिन इसके बावजूद हिंदी भाषी बेल्ट में उसके फैंस की कमी नहीं है। वो पूरे देश में पसंद किए जाते हैं, उनकी फिल्मों का बिजनेस रिकॉर्ड तोड़ देता है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की सक्सेस के सीक्रेट्स। आज के इस वीडियो को आखिर तक देखना। अपने एक्टिंग से तो दर्शकों के दिलों पर राज करते ही हैं। अल्लू अर्जुन अपने स्टाइल से आज के यूथ को भी रिप्रेजेंट करते हैं और उनके स्टाइलिश लुक के फॉलोवर्स की भी कमी नहीं है। तकरीबन हर एज ग्रुप के दर्शकों के फैन अल्लू अर्जुन दक्षिण भारत की फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार है। साउथ इंडिया में बनी हर एक फिल्म को हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाओं में भी डब करके दर्शकों तक पहुँचाया जाता है। ये वजह की तकरीबन पूरे देश में उनकी फैन फॉलोइंग बनी है। फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करने वाले अल्लू अर्जुन 18 अप्रैल 1982 को चेन्नई में पैदा हुए। उनके परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे, जिनमें एक बेटा और एक बेटी, माता पिता और दो भाई हैं। अल्लू दिली तौर पर अपने पिता के काफी करीब रहे हैं, क्योंकि उनके पिता ने इन्हें हमेशा सपोर्ट किया और इनका हौसला बढ़ाया। इनके पिता ने कभी भी अपने मन की कोई बात इन पर थोपी नहीं है। ये वजह है कि आज भी वो अपने पिता से डिस्कस करके ही अपने प्रोफेशनल और पर्सनल डिसीजन लेते हैं। अर्जुन की पूरी फैमिली ही फिल्मी दुनिया से बिलोंग करती है। इनके ग्रैंडफादर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहे और इन्होंने तकरीबन हजारों फिल्मों में काम किया। बतौर एक्टर इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। इनके दो भाइयों में एक बिजनेसमैन और दूसरे एक्टर हैं, जबकि इनके पिता अल्लू अरविंद एक फिल्म प्रोड्यूसर है, मदर हाउसवाइफ है। इनकी फैमिली से 12 मेंबर्स फिल्मी दुनिया में काम करते हैं। चेन्नई के सन पैट्रिक स्कूल से पढ़े अल्लू अर्जुन की कॉलेज लाइफ हैदराबाद के MSR कॉलेज से हुई, जहां इन्होंने BBA की पढ़ाई की। इसके साथ इन्होंने एनिमेशन भी सीखा। साल 2012 में अल्लू अर्जुन एक बिजनेसमैन की बेटी के साथ विवाह के बंधन में बंध गए। वो और उनकी वाइफ स्नेहा रेड्डी, ये दोनों एक कॉमन फ्रेंड की वेडिंग में मिले थे, जहां से दोनों के बीच इलू इलू शुरू हो गया, जो आगे चलकर शादी में बदल गया। हालांकि इनके ससुराल वाले पहले अपनी बेटी की शादी एक एक्टर से नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब वो अल्लू अर्जुन से मिले तो उनका स्वभाव और व्यवहार देखकर काफी प्रभावित हुए। उनको पता चला अल्लू अर्जुन एक्टर होते हुए भी सिंपल एंड सोबर है, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी अल्लू अर्जुन से कर दी। इन्होंने अपनी वाइफ स्नेहा का नाम टैटू के तौर पर अपने हाथ पर बनवा रखा है। अल्लू अर्जुन का निक नेम बनी है, इनके दोस्त इन्हें बनी के नाम से जानते हैं। साल 2005 में इनकी एक फिल्म बनी द हीरो भी आई थी, जिसमें इन्होंने लीड कैरेक्टर प्ले किया था। आपको जानकर अजीब लगेगा, लेकिन अल्लू अर्जुन कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे, बल्कि वो सबसे पहले मार्शल आर्ट ट्रेनर बनना चाहते थे, फिर वो एक एनिमेटर बनना चाहते थे, फिर उन्हें लगा उन्हें तो एक पियानो टीचर बनना चाहिए। इस तरह उनके इंटरेस्ट चेंज होते रहे और आखिरकार फिल्मी बैकग्राउंड का प्रभाव उन पर पड़ा और इनका इंटरेस्ट एक्टिंग में बढ़ता चला गया और वो एक्टर बन गए। उनकी फिल्मों से उनकी पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2020 में वो गूगल पर जो टॉलीवुड के सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले एक्टर रहे हैं। इसके अलावा 2016 में भी वो सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले साउथ इंडियन एक्टर रहे हैं। ये बहुत ही डाउन टू अर्थ एक्टर है, जो अपने फैंस की पर्सनल लेवल पर जाकर मदद करते हैं। इनके बहुत ही फेमस फैन रहे हैं नूर मोहम्मद, जो पिछली कई पीढ़ियों से अल्लू अर्जुन की फैमिली के फैन रहे हैं। 2019 में नूर मोहम्मद की मौत हो गई, तब अल्लू अर्जुन उनके घर गए और उनकी आर्थिक मदद भी की। इसके अलावा इन्होंने फिल्म का ट्रेलर भी पोस्टपोन कर दिया। बिग स्क्रीन पर उनकी पहली अपीयरेंस 3 साल की उम्र में फिल्म विजेता में चिरंजीवी के साथ हुई। इसके बाद 18 साल की उम्र में इन्होंने एक फिल्म में एक डांसर का कैरेक्टर प्ले किया और इस फिल्म का नाम था डैडी। अल्लू अर्जुन की हर फिल्म में आप एक नया डांस स्टाइल देखेंगे। वो खुद बचपन से डांसिंग के दीवाने रहे हैं और उन्होंने धीरे धीरे खुद से ही डांस करना सीखा है। इस फील्ड में वो अपने आइडियल के तौर पर एक्टर चिरंजीवी और माइकल जैक्सन को मानते हैं। उनका मानना है बॉलीवुड में सबसे बेहतरीन डांसर गोविंदा है। एक इंटरव्यू के दौरान रैपिड फायर क्वेश्चनिंग में अल्लू अर्जुन से अपने आप को 3 शब्दों में डिफाइन करने के लिए कहा गया। जानते हैं वो 3 शब्द क्या है? स्माइलिंग, स्टाइलिश, हैप्पी। आपको क्या लगता है, क्या ये 3 शब्द अल्लू अर्जुन की पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं? अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में लिखना। साल 2002 में अल्लू अर्जुन पढ़ाई के लिए कनाडा जाने वाले थे, लेकिन फिर उसी समय उनके पास उनकी पहली लीड डेब्यू फिल्म गंगोत्री का ऑफर आया और उन्होंने कनाडा जाना कैंसिल कर दिया। 2003 में अल्लू अर्जुन की डेब्यू फिल्म गंगोत्री आई थी,
जिसमें उन्होंने एक विलेज बॉय का कैरेक्टर प्ले किया। ये रोल उनके लिए काफी चैलेंजिंग रहा क्योंकि वो एक मॉडर्न सिटी में रहने वाले लड़के थे। उनका कैरेक्टर काफी डिफरेंट था। इस फिल्म के डायरेक्टर की भी ये 100वीं फिल्म थी, इसलिए फिल्म उनके करियर की एक इम्पोर्टेंट फिल्म बनी। इस फिल्म को ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया। साल 2004 में उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म आर्या रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। केवल 4 करोड़ की लागत से बनी इस फिल्म ने 30 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। ये फिल्म टीवी पर दिखाई जा रही थी, लेकिन इसके बावजूद ये थिएटर में चल रही थी। इस फिल्म की स्क्रीनिंग कुल 400 दिनों तक चलती रही, लेकिन फिल्म के मेकर्स की पहली पसंद प्रभास या रवि तेजा थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। इसके बाद अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म को करना स्वीकार किया क्योंकि उन्हें फिल्म की स्टोरी बड़ी पसंद आई। इसके बाद आर्या के सीक्वल भी बने जो काफी सक्सेसफुल रहे। अल्लू अर्जुन को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म परगू में बेस्ट एक्टर के तौर पर मिला। ये फिल्म 2008 में आई थी। इस फिल्म के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए उन्हें अपना वेट लूज करना पड़ा, साथ ही बाल भी छोटे रखने पड़े। इसमें उन्होंने एक मिडिल क्लास लड़के का किरदार प्ले किया था। हालांकि इस फिल्म के लिए क्रिटिक्स के मिले जुले रिव्यू मिले, लेकिन फिर भी कमर्शियल तौर पर ये फिल्म हिट रही। अल्लू अर्जुन की एक फिल्म आई थी वेदम, जिसमें उन्होंने अनुष्का शेट्टी और मनोज वाजपेयी के साथ स्क्रीन शेयर की। आपको हैरानी होगी, इस फिल्म के लिए इन्होंने कोई फीस नहीं ली थी। इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की थी जिसकी स्टोरी के अकॉर्डिंग ये दिखाया गया, सिटीजन अपने छोटे छोटे एक्शन से एक बड़ा चेंज ला सकते हैं। इस फिल्म के लिए सभी एक्टर ने बिना फीस लिए काम किया। इस शॉर्ट फिल्म का नाम था आई एम दैट चेंज। इन्होंने अभी तक कोई भी बॉलीवुड फिल्म साइन नहीं की है। इसके पीछे इनका कहना है कि ये बॉलीवुड फिल्म करना चाहते हैं, इसके बाद वो हिंदी भी सीख लेंगे, लेकिन इन्हें उनके लेवल की अब तक कोई फिल्म ऑफर ही नहीं हुई। ये बात यहाँ इम्पोर्टेंट है कि अल्लू अर्जुन की हर फिल्म हिंदी में डब होती है। हिंदी दर्शकों में उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अपना टाइम आएगा, ये गाना शायद आपको भी पसंद हो, लेकिन ये गाना अल्लू अर्जुन का फेवरेट गाना है। वहीं फिल्म गली बॉय का ये गाना अल्लू अर्जुन को बड़ा पसंद है। रणबीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने अल्लू अर्जुन का भी दिल जीत लिया। वो जोया अख्तर को बॉलीवुड की बेहतरीन डायरेक्टर मानते हैं और उनके साथ काम करना पसंद करना चाहेंगे। एलवेंटर द पुर मल्लू साल 2020 में आई उनकी एक ऐसी फिल्म है जिसने बाहुबली के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में रिकॉर्ड कायम किया। बिना हिंदी वर्जन के इसने 270 करोड़ का बिजनेस किया। एक एक्टर के लिए उसकी फिटनेस ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को चेंज करना उनके काम का अहम हिस्सा होता है। अल्लू अर्जुन 45 से 60 मिनट रोज ट्रेडमिल पर दौड़ना पसंद करते हैं। जब उनसे उनके फिटनेस मंत्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया, एक बेहतरीन शरीर से बेहतर स्वस्थ शरीर होता है। वो फिल्म में अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वर्कआउट भी करते हैं। बनी काफी हद तक कलर कॉन्शियस है। उनका फेवरेट कलर ब्लैक है और उसके बाद व्हाइट या फिर ग्रे कलर है। यूथ स्टाइल आइकॉन के तौर पर जाने जाने वाले बनी हमेशा परफेक्ट लुक में सामने आते हैं। इन्हें एक्सेसरीज बड़ी पसंद है, हमेशा गॉगल्स लगाना पसंद करते हैं। एक्टिंग के अलावा इनका एक सोर्स ऑफ इनकम इनका नाइट क्लब भी है। इसके अलावा एक लग्जरी कार लीज कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है जो हाई प्रोफाइल क्लाइंट को कार प्रोवाइड करवाती है। क्या आप भी 666 को डेविल का नंबर मानते हैं? लेकिन अल्लू अर्जुन इस नंबर को काफी पसंद करते हैं। उनका फोन नंबर हो या कार का नंबर, आप हर जगह 666 जरूर देखेंगे। अपने खाली टाइम में वो या तो ऑफिस में रहते हैं या फिर अपनी फैमिली के साथ अपने पार्क में, जिसका नाम इन्होंने अल्लू पार्क दिया हुआ है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताना। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।